जमीन सर्वेक्षण के दौरान सतर्क रहे जमीन मालिक, इस गलती पर दूसरे के नाम हो सकती है आपकी जमीन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस सर्वे में जमीन मालिकों को सतर्क रहने की जरूरत है, वरना थोड़ी सी चूक में आपकी जमीन किसी और के नाम हो सकती है। जमीन की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए कई जगहों पर जमीन मालिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा, इसलिए प्रपत्र भरते समय जमीन मालिकों को भी काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सलाह दी जाती है कि प्रपत्र भरने से पहले जमीन मालिक पूरी जानकारी हासिल कर ले, उसके बाद ही इसे भरना शुरू करें। साथ ही जमीन सर्वे के दौरान ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपके जमीन का सर्वे सही तरीके से हो रहा है या नहीं। यदि किसी कारण से जमीन सर्वे के दौरान गलती भी हो जाती है तो गजट प्रकाशन से पहले जमीन मालिकों के पास 3 बार आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप जमीन से संबंधित गलतियों में सुधार कर सकते हैं। यदि अंतिम गजट प्रकाशित होता है तो सुधार की संभावना कम हो जाएगी। प्रपत्र 2 भरने के दौरान आप ध्यान रखें कि इसमें आपको जमीन के खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी की जानकारी देनी होगी। फिर इस पर हस्ताक्षर करके इसे सर्वेक्षक के पास जमा करना होगा। कई लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, वे इस बात से परेशान हैं कि सर्वे के लिए उन्हें बिहार जाना होगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार से बाहर रहने वालों के लिए विभाग ने खास व्यवस्था की है, जिससे किसी को भी सर्वे के दौरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो सर्वे के दौरान जमीन मालिक को यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है। सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं। दूसरे राज्य में रहने वाले या दूसरे शहर में रहने वाले लोग अपने जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्व व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in है। वहीं जब आप अपने क्षेत्र में मौजूद हैं तो उस दौरान आप अस्थायी शिविर में जा सकते हैं। सर्वेक्षण कैंप में आपको राजस्व व भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी, अमीन, कानूनगो, लिपिक और ASO मिल जाएंगे। यदि आपको इस दौरान किसी भी तरह की परेशानी होती है या इस मामले में अधूरी जानकारी है तो आप इनसे भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर्वेक्षण कैंप में आपकी हर तरह से मदद की जाएगी, इसलिए भूमि सर्वेक्षण में भाग लें। इससे आपकी भूमि भी सुनिश्चित होगी और भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कई तरह के विवाद आदि भी खत्म हो जाएंगे, जिससे जमीन को लेकर हिंसा और वाद विवाद के मामले में भी कमी आएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपके क्षेत्र में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।